साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज जो हम लोग विषय सीखने जा रहे हैं अस्त ग्रह देखना सीखें। आखिर अस्त ग्रह कैसे हम पहचाने? सूर्य के साथ ग्रहों की अस्त अवस्था को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उदय और अस्त हमेशा आप कुंडली की चर्चा में सुनते रहते हैं लेकिन समझ नहीं शायद पाते होंगे। बहुत हमारे नए सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं हो सकता है पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हों। पुराने जो हैं उनको भी साथ में लेकर मैं चलना चाहता हूं और नए को भी साथ में ही लेकर चलने का प्रयास करता हूं। तो आज हम लोग सीखते हैं अस्त ग्रह के बारे में। कोई भी जन्म कुंडली के अध्ययन में ग्रहों के बलाबल देखना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बलवान होने की स्थिति में अपने स्वभाव के अनुरूप फल प्रदान करने में वृद्धि करते हैं और ग्रह यदि बलहीन होता है तो अपना प्रभाव नहीं दे पाते हैं। यदि सूर्य ग्रह से कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अपना फल नहीं दे पाता। यदि कोई शुभ ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो वह फल नहीं देगा, यह जातक के लिए अच्छा नहीं होता। किंतु यदि पाप ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह पाप ग्रह अपना फल जातक को नहीं दे पाता जो कि जातक के लिए अच्छा सिद्ध होता है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि ग्रह किस तरह सूर्य से अस्त होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले हम इस प्रसंग में जानते हैं कि राहु और केतु को छोड़कर अन्य ग्रह है चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि सूर्य से अस्त हो जाते हैं किंतु राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण सूर्य से अस्त नहीं होते अपितु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो समझेंगे कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूरी होने पर अस्त हो जाते हैं या निकटस्थ होने पर अस्त होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एक कुंडली के माध्यम से। मान लें चंद्रमा जो हैं 12 डिग्री पर हैं, मंगल जो हैं 13 डिग्री पर हैं, उसके बाद गुरु हैं, एक मिनट हम लोग देखते हैं पुनः, चंद्रमा 12 डिग्री पर और मंगल जो हैं 4 डिग्री पर हैं, सूर्य जो हैं 5 डिग्री पर हैं, बुध 27 डिग्री, शुक्र 15 डिग्री और शनि जो हैं 12 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में पहले ये देख लेना जरूरी है कि चंद्रमा 12 डिग्री तक अस्त और 12 डिग्री से ऊपर अस्त नहीं होते हैं। उसी प्रकार मंगल जो हैं वह है 17 डिग्री तक अस्त और 17 डिग्री से ऊपर अस्त नहीं होते हैं। फिर देख लें बुध जो हैं 13 डिग्री तक अस्त और उससे ऊपर अस्त नहीं होते हैं। गुरु जो होते हैं 11 डिग्री तक अस्त और उससे ऊपर अस्त नहीं होते हैं। शुक्र जो हैं 9 डिग्री तक अस्त होते हैं, उसके ऊपर अस्त नहीं होते हैं। शनि उसी प्रकार 15 डिग्री तक अस्त और ऊपर में अस्त नहीं होते हैं। तो हम लोग इसे कुंडली के अनुसार अध्ययन करते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप मेष लग्न की कुंडली मान लीजिए है, देख रहे हैं मेष लग्न है, मेष लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के दशम भाव में सूर्य चंद्रमा और बुध
डिग्री क्रमशः 5, 12, 27, 5, 12 और 27 के साथ हैं। प्रत्येक ग्रह एक राशि में 30 डिग्री चलता है, ये भी हम लोग जानते हैं। यहाँ दशम भाव मकर राशि में, यानी दशम भाव के इस भाव को दशम कहते हैं, और मकर राशि यहाँ 10 लिखा हुआ है, में सूर्य 5 तक चल चुके हैं। सूर्य जो हैं 5 डिग्री तक चल चुके हैं, चंद्रमा 12 डिग्री तक चल चुके हैं, और बुध जो है 27 डिग्री तक चल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सूर्य के साथ चंद्रमा एक साथ युक्त होने के कारण अस्त हो गए हैं क्या, यानी चंद्रमा एक साथ युक्ति बनाने के चलते क्या अस्त हो गए हैं। इसके लिए चंद्रमा एवं सूर्य की डिग्री का अंतर निकालेंगे, यानी चंद्रमा और सूर्य की डिग्री को हम लोग अंतर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सूर्य की डिग्री हुआ 12 - 5, यानी 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बराबर 7। इस प्रकार हम यह भी जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री अस्त होते हैं, चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री पर अस्त होते हैं। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के मध्य 7 डिग्री हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच 7 डिग्री का अंतर हमको प्राप्त होता है, ये 7 डिग्री अर्थात सूर्य से चंद्रमा अस्त माना जाएगा। ये क्लियर हुआ, यानी चंद्रमा अस्त में, जब चंद्रमा जो है अस्त हो गए हैं तो अपना फल नहीं देंगे। इसी प्रकार बुध 27 डिग्री के साथ सूर्य के साथ युक्ति बना रहे हैं, बुध जो है 27 डिग्री के साथ सूर्य के साथ युक्ति बनाए हुए हैं, और 27 डिग्री के साथ सूर्य के साथ जो युक्ति बनाए हैं तो 27 - 5, यानी यहाँ पर सूर्य का डिग्री जो है 5, तो 27 - 5 = 22। अब 22 डिग्री हुआ, यह हम पहले भी जान चुके हैं कि बुध जो है 13 डिग्री पर अस्त माने जाते हैं, तो बुध जो होते हैं वो 13 डिग्री पर अस्त माने जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 22। यहाँ सूर्य से बुध 22 डिग्री के अंतर पर हैं, इसलिए बुध यहाँ अस्त नहीं हैं, अस्त नहीं हैं, ये अस्त हैं। अब चलिए, इसी प्रकार माना कि इस कुंडली में एकादश भाव में मंगल 4 डिग्री पर हैं, एकादश भाव में यहाँ पर मंगल जो है 4 डिग्री पर हैं। यहाँ पर यह जानकारी हमें प्राप्त करना है कि सूर्य मंगल के अस्त कर सक पाएंगे अथवा नहीं। यहाँ पर मंगल सूर्य के एक भाव आगे हैं, मंगल सूर्य से एक भाव, यानी ये दसवें में मंगल है और ये सूर्य से एक भाव आगे मंगल है, यानी एकादश भाग में भाव में, और उस भाव में 4 डिग्री चल चुके हैं, यानी इस भाव में दसवें भाव के बाद 11वें एकादश भाव में 4 डिग्री तक मंगल चल चुके हैं। अर्थात सूर्य एकादश भाव में जाने के लिए 30, अब देखिए यहाँ पर 30 - 5, यानी 30 डिग्री और माइनस 5, यानी 30 डिग्री के लिए 5 घटाएंगे, 5 डिग्री जब चल चुके हैं सूर्य, तो हमारा हो गया 25, यानी 25 डिग्री की चाल और चलेंगे, यानी उस भाव में, कौन किस भाव में, एकादश भाव में। अतः तब 25 - 4 29 डिग्री होता है, 25 + 4 यानी 25 इसमें चलेंगे और उसमें 4 चलेंगे, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 29 डिग्री, यानी अब 29 डिग्री सूर्य
और मंगल में अंतर है, यानी मंगल में और सूर्य में 29 डिग्री का अंतर है। या तब मंगल 17 डिग्री तक, यानी मंगल 17 डिग्री तक अस्त माने जाते हैं, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अर्थात मंगल को सूर्य अस्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हमें अस्त के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि नवम भाव में शुक्र जो है 28 डिग्री पर विद्यमान है। शुक्र जो है मंगल भाव शुक्र जो है 28 डिग्री पर नवम भाव में उपस्थित हैं। अब इसके लिए हम लोग देख रहे हैं तो अगले दशम भाव में सूर्य 5 डिग्री चले हैं। दशम भाव में सूर्य जो है 5 डिग्री तक चले हैं। तो 5+2 यानी 7 डिग्री का अंतर है। यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं जबकि शुक्र 9 डिग्री पर अस्त होते हैं, यहाँ शुक्र अस्त हैं, इसलिए शुक्र अपना फल नहीं देंगे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। यहाँ हम लोग पाए कि अस्त चंद्रमा, अस्त कौन कौन हुए, अस्त हुए चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, ये दोनों अस्त हो गए, और उदय कौन हुए, बुध और मंगल। बुध और मंगल जो है उदय हुए, वे अस्त नहीं हुए। इस प्रकार अस्त उदय का हम लोग फल निकालते हैं और कुंडली में जानते हैं। इस प्रकार अस्त उदय के बारे में आप लोग भ्रम में न पड़ेंगे। इस वीडियो को पुनः यदि आप स्किप करके दोबारा देखेंगे तो जो भूल हो रही होगी आप लोगों से, जो छूट रहा होगा, उसको भी आप समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।